अगर इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर पे आप बुलिश हैं और आपको लगता है ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट भी बनने वाली है, तो आपको इस कंपनी को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कंपनी का नाम है NOCIL। कंपनी ने रिसेंटली अपना 20% प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए केपेक्स प्लान अनाउंस किया है, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 250 करोड़। आपको ये समझना पड़ेगा, पूरे के पूरे टायर सेक्टर के अंदर की कंपोनेंट होता है हमारा रबड़। रबड़ को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो है गिनती की, उनमें से एक कंपनी है NOCIL। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑटोमोटिव सेक्टर अगर हमारा इतना स्केल में बढ़ेगा तो उसके अंदर जो टायर बनाने वाली कंपनीज हैं उसका रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी की भी तो प्रोडक्शन बढ़नी पड़ेगी। ये स्टोरी पे आपको काम करना है, हर शेयर प्राइस डिक्लाइन में अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने का एम बनाइए और बाकी चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दीजिए। टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल अगर इंटैक्ट है ना, तो कंपनी ऐसी अनाउंसमेंट अगर कर रही है 2-3 साल में प्रोजेक्ट चल जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएंगे और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। ये चीज़ें आपकी फोकस एरिया में होनी चाहिए, बाकी चीज़ें छोड़ दो।